यहाँ से रानीखेत भी दिखता है बल। और गाड़ी को रुआते हुए भाई हमारे रुआ घूम गाड़ी को। जो यहाँ से दृश्य का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा बहुत ही मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा। गार्डन यहीं से जाती है स्वर्ग की सीढ़ी बल। चलो हम दिखाते हैं आपको। हेलो फ्रेंड्स, ये है वो रूट। अब हम जा रहे हैं चुनियागढ़ी को। ये रूट वो सामने दिख रहा है चुनियागढ़ी ऊपर, वहाँ जाना हमने। और ये बाइक की रेल बनती हुई और हमें लग रही है गाइस अब ठंडा। अभी थोड़ी देर में पहनते हैं हम कपड़े। अभी वहाँ तो धूप दिख रही है और चढ़ाई भी वहाँ खतरनाक दिख रही है भाई। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से बाइक की अगली परीक्षा स्टार्ट हो गई है और यहाँ ड्राइवर की भी हैवी ड्राइवर बताते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ से चढ़ा पाते हैं नहीं, चढ़ा पाते नहीं तो पैदल घूम जाएंगे। बिकॉज यहाँ से खड़ी चढ़ाई है गाइस और बाइक हमारी होंडा साइन 125 सीसी ट्रिपलिंग। और ये जबरदस्त मोड़, अति शीघ्र मोड़। और ये गाड़ी का मौसम टूटा और लगाया पहला गियर, फिर लगाया दूसरा, फिर लगाया पहला। तो गाइस आप देख सकते हैं चुनियागढ़ी ऊपर दिख रहा है आपको और काफी ज्यादा चढ़ाई, एकदम खड़ी चढ़ाई बोल सकते हैं हम इसको। वो देखिए सामने फ्रेंड, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे खतरनाक चढ़ाई का सामना कर रहे हैं हम। ऊपर जा रहा है माल। आपको गाइस हम बता दें अभी बाइक कितने लोडिंग में सहन कर रही है। बाइक भी गाली दे रही होगी हमें गाइस। आज से पहले इतना लोड नहीं गया है बाइक में। अब देखो, अब मैं सच सच बता रहा हूँ, 75 किलो मेरा वजन है, 70 किलो भाई का है और 65 किलो हेमू भाई का है। तो आप सोच सकते हैं इतना लोड झेल ली है हमारी बाइक। और गाड़ी को रुआते हुए भाई हमारे रुआ दिया है इनने घूम गाड़ी को। गाइस आप कभी भी चुनियागढ़ी आए या तो फोर व्हीलर लेके आए या सिंगल या टू सवार ट्रिपलिंग करके कभी मत आए, नहीं तो गाड़ी रो जाएगी बहुत ही। बहुत ही ज्यादा हाइट में, करीब 900 फीट की हाइट में है नीचे रोड से। हम अभी भी रोड पे ही हैं वैसे। जो यहाँ से दृश्य का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा बहुत ही मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा। गार्डन कहते हैं जिसे, वो हो जाएगा। और ये देखो चढ़ाई गाइस खतरनाक वाली। अभी जब हम वापसी में आएंगे तब आपको दिखाएंगे हम कितनी खतरनाक चढ़ाई थी। बिकॉज डाउन देख के आप समझ जाएंगे। और बाइक यहाँ चढ़ नहीं पा रही है। हेलीकॉप्टर आ गया गाइस, गाइस हेलीकॉप्टर आ गया है। अरे हेलीकॉप्टर इसलिए आ रहा था गाइस, ये मेरे नीचे टकरा गई थी गाइस। अरे यार मैं भी कह रहा हेलीकॉप्टर कहाँ आ गया, यहाँ घुसड़ी रही थी मेरी। है यहाँ से रानीखेत भी दिखता है बल बट मैंने तो नहीं देखा आज तक। तुमको दिखेगा तो गाइस कमेंट कर देना, मेरे को वीडियो तो बना ही रहा हूँ मैं। वो दिख रहा है भाई, यहीं रोक रहे, यहीं से रास्ता है। ये रोड कहाँ जा रही है? ये रोड मुझे भी नहीं पता कहाँ जा रही है, यहीं से ऊपर को रास्ता है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुँच चुके हैं। ये है गेट, ये है हमारे सूर्य भगवान और ये हूँ मैं, ये हेमू भाई और ये दिबू भाई। गुड मॉर्निंग।
यहीं से जाती है स्वर्ग की सीढ़ी, यहीं से जाती है स्वर्ग की सीढ़ी वाल। चलो हम दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये देखिए स्वर्ग की सीढ़ियां, तो यूके रैपी बॉय का जो गाना है ना इसी से आया था, समझे? तो यूके रैपी बॉय मैंने सुना यहीं आए थे और उनने यहीं से स्वर्ग की सीढ़ियां देखी थी, तो यहीं से उनके माइंड में थिंकिंग आई थी, तो उनने यहीं से वो रैप लिखा था, बहुत तगड़ा रैप जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है गाइस। फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं जुनियागढ़ी के मंदिर में, और भाई साहब वहां चल के कंटिन्यू, फिर इधर चल के विदाउट रेस्ट हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। और यही वो जगह है जहां मेरा पिछली बार कैमरे का सॉरी स्टैंड का स्टैंड टूट गया था मेरा, मैंने लगाया था टाइम लैप्स के लिए और हवा चली बहुत ख़तरनाक, धड़ाम से गिर गया स्टैंड, टूट गया था मेरा मोबाइल होल्डर, फिर मैंने दूसरा मंगाया था। ओहो, तो आपको आप दर्शन कराते हैं जुनियागढ़ी मंदिर के। ये हाइट में बहुत ज़्यादा, मतलब कालिंगा से भी हाइट में है। तो यहाँ उतार लेते हैं हम जूते वगैरह। जय वैष्णो माता मंदिर जुनियागढ़ी। सो फ्रेंड्स अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, पिछली बार जब मैं आया था तो हम आए थे विधायक जी के साथ, तो यहाँ पे पूरा तापड़ था एक, तो उनने सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पे पैसा दिया था, जिसकी बदौलत आज इतना बड़ा यहाँ पर मस्त सा एक हॉल टाइप तैयार हो चुका है। ये देखो मस्त लग रहा है ना बिल्कुल यहाँ पे ये, और ये है हमारा जुनियागढ़ी का मंदिर। ये काफ़ी दूर दूर से ही आपको दिख जाएगा, बिकॉज ये बहुत ही हाइट पे है, चोटी पे है एकदम। तो चलिए फिर अंदर भी चल लेते हैं, मंदिर तो बंद है बट बाहर से ही दर्शन कराते हैं आपको, और हम भी करते हैं। जय हो, जय हो फ्रेंड्स। यार बिल्कुल धूप भी लगी है, धुंध भी छाई है, और मैंने बस उधर को दिखाने की सोच रहा था बट वहाँ पूरा धुंध हो गया है। और जो जुनियागढ़ी मंदिर है ये कालिंगा से टॉप में है, कालिंगा से ऊपर है, बहुत हाइट पे है, चोटी पे है। बिल्कुल धुंध हो रही है, ये देखो गाइस कुछ नहीं दिख रहा है, नथिंग। इनका फोटो सेशन चल रहा है भैया, ये यहाँ से तगड़ी फोटो आती है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से रानीखेत दिख रहा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा हेलीपैड भी है, ये देखो गाइस हेलीपैड। एंड यहाँ पर कोई नहीं मिला हमको, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा हाइट में, कालिंगा में तो बहुत लोग आए हुए थे बट इधर कोई नहीं आया। एंड लेट्स गो, चलते हैं, हमारे यहाँ का भी टूर हो चुका है पूरा मस्त करके, मजा आ गया एकदम, ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए। और यहाँ से बस एक थोड़ी दिक्कत होगी, यहाँ पर धुंध छाई हुई है, थोड़ा मौसम साफ होता ना तो मजा ही कुछ और आ जाता, चार चांद लग जाते वीडियो में मेरी, और आप लोगों को भी मजा आता देखने में। अब यार मैं यहाँ से क्या ही दिखाऊँ आपको, कुछ दिख ही नहीं रहा है, नथिंग। फ्रेंड्स एक खतरनाक सीन हो गया था अभी, भाई का फोन वही तेजी, अभी घर से फोन आया था तो फोन करके मैंने उठाया था, फिर मैं ब्लॉग शूट करने लग गया था तो मैंने नीचे रख दिया था, और वो अपना फोटो क्लिक करने पर रहा, मैं भी रहा अपना ब्लॉगिंग के, फोन वही रह गया, तो आधे रास्ते तक आए फिर चिल्ला रहा था, तो अच्छा वो अभी ध्यान आ गया, नीचे जाके ध्यान आता था, फिर उल्टा आवाज बरेली आते हम वापस। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं अब घर। हेलो गाइस, सो फ्रेंड्स फाइनली आई एम एट होम, एंड भाई उतर गया था उधर घर पे, तो मैं आ गया हूँ शॉप पे, और उसका फ्रेंड भी, आई थिंक वो उस फ्रेंड के वहीं चले गया है। और पैर हाथ में इतना गंदा दर्द हो रहा है ना गाइस, यार बहुत ही गंदा, और अभी काम करना मुझे शॉप का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और एक कमेंट जरूर कर देना। ओके, तो मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।